एक मेरा फियर है बस, मेरा जिस्म का कोई भी हिस्सा सुन होने लगे या मुझे बस बेहोश होने से डर लगता है। मैं बिल्कुल भी सी सेक्शन नहीं चाहती थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज की जो वीडियो है ना, कुछ मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ और कुछ मेरा अपना दिल था बनाने का, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपना सी सेक्शन का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी। अच्छा, सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे से कि आपका सी सेक्शन क्यों हुआ, आप खुद सी सेक्शन चाहती थी या आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती थी। यार, मैं बिल्कुल भी सी सेक्शन नहीं चाहती थी। सी सेक्शन मेरी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा खौफ था, एक सबसे बड़ा डर था। इस डर को मैंने कैसे ओवरकम किया, मैंने कैसे सी सेक्शन के लिए हिम्मत बांधी। मैं सी सेक्शन से पहले कितना डर रही थी, कितना रो रही थी, मैं आपको नहीं बता सकती। मैं हैरान थी कि लड़कियाँ खुशी खुशी खुद ही जाके सी सेक्शन कैसे करवा लेती हैं। मैं हमेशा से नॉर्मल डिलीवरी चाहती थी। आप पूछेंगे क्यों, तो एक ये कि मैं एजुकेटेड लड़की हूँ, मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता है कि नॉर्मल डिलीवरी में ही फ़ायदा है औरत का। सी सेक्शन आपको इंटरनली ख़त्म कर देता है। फिर मैं वेट कॉन्शियस भी हूँ, मुझे था कि वेट एक दफ़ा बढ़ गया तो वेट कैसे कम होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और एक ज़ाहिर है, आपका जिस्म काट दिया जाता है तो वो एक झिझक रह जाती है। यार, मुझे यहाँ कट लगा है, अब मैं एब्स की एक्सरसाइज कैसे करूँ, मैं जंपिंग, अब मुझे नहीं पता मुझे कितना टाइम लगेगा इन चीज़ों को रिकवर करने में। लेकिन एट द एंड होता वो है जो अल्लाह ने हमारे लिए लिखा होता है, जो हमारे हक में बेहतर होता है। मेरा मैंने वर्कआउट किया, मैंने वॉक की, मैंने बहुत कोशिश की मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन अल्लाह पाक को कुछ और मंजूर था। मेरी डॉक्टर ने मेरी काउंसलिंग की, उन्होंने कहा बच्चे जिसका फर्स्ट बेबी होता है, हम भी नहीं चाहते उसका सी सेक्शन हो, लेकिन कुछ फैसले अल्लाह के होते हैं तो आपको सब्र करना होगा, और जो अल्लाह की मर्ज़ी, तो अल्लाह की मर्ज़ी के आगे हम क्या कर सकते हैं। बेशक जो मेरे हक में बेहतर था, मेरे हक में बेहतर था, मेरे अल्लाह ने मेरे लिए वो किया और वो बेहतर फैसले करने वाला है। तो लास्ट मोमेंट तक मेरा जो बेबी है वो सीधा नहीं हुआ, ब्रीच पोजीशन मेरा उल्टा रहा। फर्स्ट बेबी था, रिस्क नहीं ले सकते थे कि उसको उस पोजीशन में डिलीवर किया जाए, तो हमें अनफॉर्चुनेटली सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ा। मैं सोच रही हूँ कि हम वीडियो स्टार्ट करें, ठीक है, आप लोग साथ साथ वीडियो भी देखें। उसमें मैंने बेबी बैग की पैकिंग की है, थोड़ा थोड़ा वो भी बताती हूँ आप लोगों को, और थोड़ा थोड़ा सा साथ आप लोगों को जो मेरा एक्सपीरियंस है सी सेक्शन के हवाले से वो भी बताती हूँ कि मैंने क्या क्या फेस किया। अच्छा, सी सेक्शन में सबसे ज़्यादा जो मेरा सबसे बड़ा डर था वो था एनेस्थीजिया। मैं एनेस्थीजिया से बहुत डरती हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा डरती हूँ। एंड आई वॉज़ लाइक, यार मैं एनेस्थीजिया कैसे लूँगी। एक मेरा फियर है बस, मेरा जिस्म का कोई भी हिस्सा सुन होने लगे या मुझे बस बेहोश होने से डर लगता है। तो पहले मैं ये डिसीजन ही नहीं ले पा रही थी कि मैं जर्नल की तरफ जाऊँ या मैं स्पाइनल की तरफ जाऊँ, मैं कौन सा एनेस्थीजिया लूँ। मैं इतनी कशमकश में, इतनी बहुत लोगों से रिव्यूज़ मांगे जिनका जर्नल हुआ था, स्पाइनल हुआ था, सबसे पूछती थी यार आप बताओ सी सेक्शन ठीक है या स्पाइनल ठीक है। सब ने अपने अपने रिव्यूज़ दिए, लेकिन मुझे जो 80% मिल रहा था वो ये था कि स्पाइनल की तरफ जाओ। अब स्पाइनल एक और बड़ी मुश्किल चीज़, क्या है, कमर में टीका, और मैं बहुत डरपोक हूँ यार, मेरा इतना सा दिल है, थिएटर का खौफ, और मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मैं बहुत आखिर मैंने फिर डॉक्टर से मशवरा किया, मेरे डॉक्टर ने भी कहा कि बेटा गो फॉर स्पाइनल, स्पाइनल सेफ है। और एक चीज़ जो मैं चाहती थी, मैं अपने बच्चे से फौरन मिलना चाहती थी। मुझे इतना इंतज़ार था कि जैसे वो पैदा हो मैं उसको देखूं, तो उसके लिए मेरे डॉक्टर ने कहा आप स्पाइनल हो, अगर आप जर्नल लोगे आप तो बेहोश होगे, आपको क्या पता होगा। अगर आपने उसी वक्त बेबी का क्राय सुनना है, बेबी को फील करना है, उन मोमेंट्स को इंजॉय करना है। स्पाइनल के लिए जो मुझे हिम्मत आई थी ना, वो सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि ये जो एक चीज़ थी ना कि यार मुझे बेबी का क्राय सुनाई देगा, मैं बेबी को फौरन देख सकती हूँ, बेबी को फौरन मिल सकती हूँ। तो मैंने कहा चलें मैं स्पाइनल एनेस्थीजिया की तरफ जाती हूँ। अब स्पाइनल एनेस्थीजिया का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा, तो वो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको वीडियो में साथ साथ बताती हूँ, साथ साथ हम बेबी बैग भी पैक करेंगे, साथ साथ वीडियो तो चल ही रही होगी, आप लोग देखना मैं क्या पैकिंग कर रही हूँ, साथ साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों से शेयर करूँगी, हॉस्पिटल का भी और सर्जरी का भी। और चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलें जी, अब थोड़ी सी आप लोग पैकिंग भी देखें साथ साथ, और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ अपना सी सेक्शन का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी, ठीक है। तो ये दो बैग हैं, एक बैग मेरा है, एक बैग जो है अल्तमश का है। मैंने बहुत टू द पॉइंट चीज़ें कैरी की थी साथ, कुछ भी ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी थी, दो चार, क्योंकि बच्चा नर्सरी में होता है, दो चार अल्तमश के सूट रखे थे, ठीक है। ये बॉडी एसेसरीज रखी थी, जैसे लोशन हो, वाइप्स हो गए, सोप हो गया, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें, पैम्पर्स शैम्पर्स कुछ नहीं रखा था, सब कुछ हमारे पैकेज के अंदर इंक्लूडेड था, ठीक है। तो ये आप लोग अब पैकिंग देखें, कुछ भी इसमें खास नहीं है जो मैं आप लोगों को बताऊं, मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस जो है साथ साथ शेयर करती हूँ।
अच्छा जी, तो अब ये रात का टाइम था, हम पैकिंग कर रहे थे और सुबह था मेरा सी सेक्शन। तो आप लोगों को मैं क्या बताऊँ कि मैं कितना ज़्यादा डरी हुई थी, किस कदर डरी हुई थी। मुख्तियार शेख में मेरा सी सेक्शन हुआ है। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये थी कि मैंने हॉस्पिटल बहुत अच्छा चूज़ किया था, बहुत सारे लोग मेरे से रिव्यू भी मांग रहे थे। तो मैं यही कहूँगी कि मेरा बहुत अच्छा फ़ैसला था मुख्तियार शेख जाने का, क्योंकि पेशेंट केयर भाई इन पर अंत है, अंत। ये आपको ठीक करके ही घर भेजते हैं। अच्छा, ये अल्तमश का मैंने एक रखा था साथ, के कहते हैं कब उसको कवर करने के लिए जो होता है ना ब्लैंकेट। और बहरहाल ये दो तरह के ब्लैंकेट रखे थे मैंने, एक मोटा वाला एक पतला वाला। ये आप लोग वीडियो में देख रहे हो ना, तो मुझे अपनी जो काम की बात है ना वो बताने दो आप लोगों को। अच्छा, ये ज़रूर देख लो कि मैंने डे वन के लिए इसकी कैप और बूटीज़ और मिटन्स रखे थे, लेकिन वो बच्चा नर्सरी में रख लेते हैं, तो बस आप क्या बताऊँ, कोई मज़ा नहीं आया कुछ भी। मतलब हमने तो बच्चे को सिर्फ हॉस्पिटल के गाउन में ही देखा। अच्छा जी, तो ये रात में पैकिंग की और इसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ी, फिर तहज्जुद पढ़ी, फिर फजर पढ़ी। पूरी रात एक खौफ तारी था, तस्बीहां पढ़ी और कुरान अल्लाह पाक को याद किया। फिर जी खैर से सुबह हो गई और सुबह हमने हॉस्पिटल जाना था। तो बात ये है कि ऑलरेडी पता था सी सेक्शन है, लेकिन मैं फिर भी बहुत बहुत कंफ्यूज थी स्पाइनल में और जनरल एनेस्थीसिया में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आता है ख़ास तौर पर जो है ना एनेस्थीसिया से। मेरा फियर बच्चा पैदा करना नहीं था, मेरा फियर यही था कि यार मैं किस तरह से एनेस्थीसिया किस तरह से लूँगी। अच्छा, तो खैर हम लोग सुबह हुई तो फिर हॉस्पिटल खैर से पहुँचे, एंड आई वाज टू स्केयर्ड। लेकिन मैंने फिर भी साथ थोड़ा बहुत जो है मेकअप वगैरह का सामान कैरी किया था। अभी तो यहाँ मल्तमश के कपड़े पैक कर रहे हैं ना, तो जो अभी आगे पार्ट आएगा उसमें जो है वो है मेरे मेकअप की थोड़ी सी चीज़ें हैं, मैं आपको वो दिखाऊंगी। अच्छा, ये वाला जो ड्रेस है ये मैंने सोचा था मैं अल्तमश को घर पहना कर आऊँगी हॉस्पिटल से, तो ये वाला ड्रेस मैंने ऊपर रखा था। अच्छा, मुझे लगता है अल्तमश की पैकिंग कुछ ज़्यादा ही हो गई, पता नहीं आप लोग देख रहे हो या मेरी बातें सुन रहे हो। ये इसके ये छोटी छोटी सी सॉक्स हैं और ये बहुत अच्छा ड्रेस है, और जब मैं घर आई थी तो मैंने अल्तमश को पहनाया था, उसको बहुत प्यारा लगा था। अच्छा, तो अब हम चलते हैं पॉइंट की तरफ। खैर हम हॉस्पिटल चले गए, हॉस्पिटल एडमिट हो गए। अभी आप लोग हॉस्पिटल भी देखना इस व्लॉग में, क्या बेहतरीन हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल देख के ही बंदा फ्रेश हो जाता है। और मज़े की बात बताऊँ, मेरा तो वापस आने का दिल ही नहीं कर रहा था, यकीन करो। मतलब दिल करता है बंदा एक और बच्चा पैदा कर ले सिर्फ उस हॉस्पिटल में दोबारा रहने के लिए। अच्छा, अब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो हॉस्पिटल में उन्होंने हमें सबसे पहले जो है हमें हमारा रूम दिया। रूम में मुझे उन्होंने बोला आप जाके गाउन पहन ले, मैंने गाउन पहन लिया। और फिर उन्होंने मेरे सारी स्क्रीनिंग की, मेरे वाइटल्स लिए, और मैं इतना डरी हुई थी, मैं इतना रो रही थी, क्योंकि ऐसे एक दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि अभी आएँगे और कहेंगे अब आपकी बारी है आ जाएँ। वो जो लाइन थी ना, उफ मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मैं बहुत इंजेक्शन लगवाने से भी डरती हूँ। मैं अपना एक एक लम्हा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो उस वक्त मैंने फ़ील किया ना। तो खैर अब मैं बैठ के बस पढ़ ही रही थी। तो खैर 4 बजे का करीब मेरी बारी आई, उन्होंने आके मुझे कहा कि कॉल आ गई है, आपकी बारी है। अल्लाह, जो मेरी हालत हुई उस वक्त मैं बयान नहीं कर सकती यार। खैर उसके बाद अल्लाह का नाम लेके जी उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है जी चलें, अब जाना ही था, क्या हो सकता है। अच्छा, जब हम लोग वहाँ पहुँचे जहाँ पर OT था, ऑपरेशन थिएटर था, वहाँ ले जा के उन्होंने ना मुझे कहा अभी रिकवरी में शिफ्ट कर दिया, अब मुझे थिएटर में नहीं लेके गए। मैंने बोला कि अब यहाँ क्यों शिफ्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जो है ना अभी अंदर एक पेशेंट है, उसका सी सेक्शन हो रहा है, उसके बाद आपकी बारी आनी है, अभी आपको आधा घंटा और लगेगा। मैंने कहा तो आप मुझे मेरे रूम में ही रहने देते, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए हैं। तो उन्होंने कहा आधा घंटा लगेगा। अच्छा, अब मज़े की बात सुने, अब मैं रिकवरी में थी, वहाँ पर ना एक डॉक्टर आई, उन्होंने आकर ना मेरा वो किया सारा का सारा इंटरव्यू किया। अच्छा, इंटरव्यू क्या किया कि उसने मुझे अपना नेम बताया और उसने बोला कि जी मैं आपकी एनेस्थीसिया की डॉक्टर हूँ, मैंने आपको एनेस्थीसिया देना है, आप कैसा फील कर रही हैं। मैंने कहा मैं बहुत डरी हुई हूँ। कितनी डरी हुई क्यों हैं आप। मैंने कहा मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे एनेस्थीसिया से बहुत डर लगता है। अच्छा, उसने मुझसे पूछा आपको क्यों डर लगता है, आपका क्या फियर है। मैंने कहा मुझे ना नशे में जाने से, मैं स्पाइनल की तरफ जा रही हूँ तो मेरी टांगें सुनोगी, मुझे घबराहट होगी। उसने बोला कुछ नहीं होगा, सारी टीम होगी, सारा स्टाफ होगा, आपको हम कुछ नहीं होने देंगे, हम आपको काम डाउन करेंगे, आप परेशान ना हो। बड़ा उसने भी बहुत तसल्ली कराई, और तसल्ली करा के ना वो चली गई। और उसके बाद मेरी गायनेकोलॉजिस्ट आई, मुझे कहती बख्तावर कैसा फील कर रही हैं आप। मैं कहा मैं बहुत डरी हुई हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर उन्होंने मुझे यही कहा कि हम सब मौजूद होंगे, हम आपको तसल्ली मतलब हम आपके पास होंगे, आपको कुछ नहीं होगा, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। अच्छा, यहाँ अभी हम निकले हैं, ये देखिए यहाँ पर ना घर से निकले हैं।
अच्छा, तो बस इसके बाद हम हॉस्पिटल पहुंच गए थे और वहाँ पे ये देखें ये सारा, मतलब हम लोग अभी रूम वगैरह ले रहे थे। अच्छा खैर, एनी हाउ अब मेरी गायनेकोलॉजिस्ट भी होके चली गई और मेरी जान सूली पे अटकी हुई थी। तो तकरीबन ऑलमोस्ट 4:30 बजे के करीब मेरी जी बारी आई कि आपकी बारी आ गई है। हे अल्लाह, मैं भी बता रही हूँ ना, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही है। अच्छा आप लोग ये रूम चेक करें, मैं कहती हूँ क्या कमाल हॉस्पिटल का रूम, क्या फैसिलिटीज़। और बस आप देखते जाएं इसके अंदर, वीडियो में देखें, और बस मेरी मतलब आधा डिप्रेशन तो हॉस्पिटल जा कर ही कम हो गया था। इतना अच्छा रूम, वॉशरूम। अच्छा तो यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस स्टॉप करूँगी क्योंकि बहुत 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 प्यारा पार्ट आने वाला है, वो मैंने म्यूट नहीं किया, अब आप लोग वो देख। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे अल्तमश का किराया सुनाई दे चुका था और मैंने बहुत ज़िद करके मोबाइल ऑपरेशन थिएटर में बाहर से मंगवाया था कि मुझे वीडियो बनानी है, और मैं बेबी का वेट कर रही थी। अब ये देखें, ये तो मेरे जैसा लग रहा है, इधर कह रहे हैं थोड़ा सा। मैं क्या बताऊँ, वो क्या वक्त था, वो क्या फीलिंग्स थी जहाँ मैंने अल्तमश को पहली दफ़ा देखा था और मैंने बहुत ज़िद करके मंगवाया था फ़ोन हॉस्पिटल में। यहाँ मैं रूम में शिफ्ट हो गई थी और ये मैंने फ़ौरन डिलीवरी के बाद ये शॉट बनाया। मैं बहुत खुश थी अल्तमश को देखने के बाद, मैंने नेल पेंट लगाया। खैर ये तो सारी बात की चीज़ें हैं ना, आप लोग व्लॉग में देख रहे हैं। तो खैर जब मुझे अब ऑपरेशन थिएटर में लेके गए ना, तो वहाँ पे जी उन्होंने मुझे कहा कि ये टेबल पे बैठे हैं, हम आपको एनेस्थीसिया देने लगे हैं, कमर में इंजेक्शन लगना था। मुझे इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। और जो डॉक्टर मेरे पास आई थी उसने मुझे जो है ना, अच्छा ये सारा कुछ खाना वाना इनके पैकेज में ही था, ये मुझे खाना भी हॉस्पिटल में देते थे। अच्छा वो मेरे पास आई और उसने मुझे इंजेक्शन लगाया, उससे 3 दफ़ा मेरा एपिड्यूरल फेल हुआ। मतलब बहुत मुश्किल टाइम था, मैं पहले ही बहुत डरी हुई थी और मैं दुरूद पाक पढ़े जा रही थी, लेकिन फिर भी जो है ना वो उससे 3 दफ़ा फेल हो गया। यहाँ मैं उसको फर्स्ट टाइम गोद में लिया था, मैं उसको मछली में मिलने गई थी। क्या वक्त था, बहुत प्यारा वक्त था। तो अच्छा 12 हर वो 3 दफ़ा उससे फेल हुआ, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने बोला मुझे जर्नल दे दें, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, आप मुझे जर्नल दे दें, मुझे नहीं लेना स्पाइनल। उसने कहा मैं एक और डॉक्टर को बुलाती हूँ, आप मुझे थोड़ा टाइम दें। फिर एक और डॉक्टर आया, उसने मुझे कहा अच्छा मैं लास्ट टाइम अटैम्प्ट करूँगा, अगर सुन हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो हम आपको जर्नल दे देंगे। खैर उससे सुन हो गया। यहाँ हमने घर आना था तो मैं रेडी हुई थी इल्तमश को लेके, जिन हम घर आ रहे थे। तो खैर उससे सुन हो गया और फिर उसके बाद जब मेरी टांगें सुनना शुरू हुई, मैं इतना घबराई, इतना मैंने चीखना शुरू कर दिया। खैर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, उन्होंने कहा कुछ नहीं हो रहा आपको कुछ, मैंने कहा मेरी टांगों कुछ हो रहा है, उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। मुझे काम डाउन करते रहे। इतनी देर में 2 मिनट लगे होंगे आई गेस, मुझे अल्तमश को रोने की आवाज़ आ गई, जिस वजह से मैंने ये सारा पेन बर्दाश्त किया था वो यही था कि मैं फ़ौरन अल्तमश को मिलना चाहती थी। तो ये छोटी सी कहानी थी सी सेक्शन की। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह।